आज बैठक का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो हम उन्हें हमारे भगत सिंह सहजे आदम बालक भगत सिंह का ये जयंती है, मैं उन्हें लाल सेल जीतपुर कोयलरी के 700 असंगठित मजदूर 6 महीने से काम पर बैठे हुए हैं, जिस कारण मजदूरों को भुखमरी की स्थिति हो गई है। खदान से उत्पादन शुरू करने के लिए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के जिला सचिव रीना पासवान ने सेल के ईडी को एक ज्ञापन दिया है। शनिवार को भगत सिंह की जयंती समारोह मनाने के बाद मजदूरों की समस्या पर बैठक हुई। जनवादी जिला सचिव रीना पासवान ने बताया कि खदान में जल रिसाव होने के कारण DGMS के आदेश पर बंद करा दिया गया। बैरियर का कोयला को अपने प्रमोशन के आड़ में निकाल दिया गया है, जिस कारण खदान बंद है। आरोप लगाते हुए रीना ने कहा कि जीतपुर कोयलरी के दक्षिण दिशा में गलत तरीके से कोयले को काट दिया जा रहा है और पानी का रिसाव हुआ था। आज उसी कारण खदान बंद है और असंगठित मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। रीना पासवान ने बताया कि जीतपुर भूमिगत खदान में उच्च गुणवत्ता का कोयला का भंडार है, कोयला निकालने के लिए राकेश इंटरप्राइजेस को मिला है था। कहा कि जीतपुर में कार्य कर रहे ठेकेदार राकेश इंटरप्राइजेस को वर्ष 2024 में 42 करोड़ का काम मिला था। काम नहीं पूरा करने पर कंपनी द्वारा 865 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है, उसे पेनल्टी को माफ कर दिया गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर 23 अप्रैल को 14 नंबर सिम में पानी का रिसाव का बहाना बनाकर कोयलरी को बंद कर दिया गया, जिससे 700 ठेका मजदूर पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए, उसमें सूक्ष्म भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खदान में पानी रिसाव को लेकर टाटा प्रबंधक, सेल प्रबंधक और बीसी सेल प्रबंधक पूरी तरीके से दोषी है। बैरियर को किसी ने चोरी की, यहां जांच का विषय है। आज बैठक का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो हम उन्हें हमारे भगत सिंह सहजे आदम बालक भगत सिंह का ये जयंती है, मैं उन्हें लाल सलाम पहले पेश करती हूँ। और हमारा मुद्दा ये है कि 700 वर्कर जो हमारा सेल कंपनी जीतपुर 700 वर्कर अभी हमारा बैठा हुआ है, बेरोजगार है, जिसके बच्चे वो उसके परिवार भूखा तरस रहा है, खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि सेल कंपनी को चालू किया जाए और जितने भी यहाँ पे चोर चुहार लोग बैठे हुए हैं ऊपर में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि घोटाले पे घोटाला किए जा रहे हैं और कंपनी जो है चुप्पी साध के बैठी हुई है। राकेश इंटरप्राइजेस जो है 865 करोड़ घोटाला करके बैठी है, कोई खोज खबर नहीं उसका, मैंने कोई कहीं कोई जांच ही नहीं हो रहा। इतने सारे यूनियन है, एक भी ऐसा यूनियन नहीं है जो लिखा हो। अगर कोई अदर लिखता है तो उनको पूछा जा बोला जाता है कि आप लिखने वाले कौन होते हैं, यानी आप लोग सारे कोई मिलकर इतना बड़ा घोटालों को पचा रहे, यानी सारे कोई भागीदारी है इसमें, ये हमारा जो सोच है। वो ठेकेदार है वो, उनके अंडर में ही ठीका चलता है और जो 700 मजदूर हैं उनके अंडर में ही खटते हैं। बंद होने का रीज़न हमें ये सुनने में आया है कि बंद होने का रीज़न ये है कि टाटा कंपनी और सेल कंपनी का एक बैरियर था, 30 मीटर टाटा कंपनी और 30 मीटर सेल कंपनी, ये एक दोनों का मिलाकर 60 मीटर का एक बैरियर है। तो जिसमें पता चला ये है कि 30 मीटर ये टाटा कंपनी जो है वो खा चुकी है कोयला। तो जब 30 मीटर कोयला खा चुकी है तो हर 3 महीने पे सर्वे का जांच होता है, जिसके लिए कंपनी अपना स्पेशल रखा गया है वर्कर को। तो हर 3 महीने पे जब जांच होती है तो फिर कोयला वो कैसे खा गए? जब तक हमारा उच्च अधिकारी अगर नहीं मिला हुआ है, जब तक हमारा साइन नहीं होता है, तब तक उस बैरियर को छूना किसी की बस की बात नहीं है। यानी कि दोनों कंपनी ने बहुत अच्छा से बैठकर साजिश किया और उस बैरियर को खाया है। इसके लिए हमने लिख के दिया है प्रधानमंत्री, CBI, इस्पात मंत्री, हमने हमारे ढुल्लू मातो, हमारे सांसद विधायक जितने भी हैं, मैंने सबको लिख के दिया है। हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम जो वर्कर है उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि गरीब सबसे ज़्यादा मारा जा रहा है। जी नहीं, सेल प्रबंधक का कहना है कि हम उससे कोई बातें नहीं करेंगे, तुम है कौन जो तुमसे हम बात करेंगे, ये डायरेक्टली हमसे ये एक सवाल किया जा रहा है।
जी, इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा बात दूर दूर तक जाए, और हम प्रेस मीडिया भाई से भी कहना चाहेंगे, ये मजदूर वर्गर का सवाल है, उनको उनके लिए थोड़ा सा आप लोग भी कष्ट करें, ये इस बात को दूर दूर तक पहुंचाने का आप लोग संदेश दें। आगे की रणनीति ये होगी, अगर चालू नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा नाम रीना पासवान है, हम जनवादि महिला समिति की जिला सचिव है।